सो नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर चौहान स्वागत करता हूं आप सभी का इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में IRCTC रेलवे की तरफ से आपको मैं तीन न्यू अपडेट देने वाला हूं और ये तीनों अपडेट आपको एक नई जानकारी प्रदान करेंगे। दोस्तों जो सबसे पहला अपडेट होगा वो रेलवे के प्लेटफॉर्म टिकट के बारे में होगा। दूसरा जो अपडेट होगा वो ट्रेनों की जो बोगियाँ हैं उनमें परिवर्तन किया जाएगा, कलर बदला जाएगा, क्या कुछ रहेगा आज की सुबह आपको जानकारी मिलेगी। और तीसरा जो अपडेट होगा, अब आप कम पैसे में भी एसी का मज़ा ले पाएंगे, यानी स्लीपर में भी आप एसी का मज़ा लेंगे। आज की सुबह में यही कुछ आपको जानकारी देने वाला हूं। सो प्लीज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपडेट की तरफ। तो दोस्तों ये जो अपडेट है ये है जागरण के साइट पे अपडेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भारतीय रेलवे ने 400% प्लेटफॉर्म टिकट का दाम बढ़ाया, अब यात्रियों को चुकाने होंगे महंगे पैसे, यानी प्लेटफॉर्म का दाम अभी बढ़ा दिया गया है। दोस्तों यहाँ पे इस न्यूज की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सिंपली वहाँ पे भी क्लिक करने के बाद इस पेज पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो साउथ वेस्टर्न रेलवे है वो गुरुवार को प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत को 400% वृद्धि करने की घोषणा की है। इसके पहले दोस्तों जो प्लेटफॉर्म टिकट था वो 10 रुपये था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 50 रुपये किया जाएगा। अब दोस्तों ये क्यों किया जाएगा, क्योंकि जो लोग स्टेशन पे छोड़ने जाते हैं वो लोग कम से कम प्लेटफॉर्म पे जाएं और कम से कम वहाँ पे गर्दी हो, कम से कम लोग वहाँ पे पहुँचें और जो कोरोना का संक्रमण है ये बढ़ने से रोका जा सके। यानी प्लेटफॉर्म पे जो लोग जाते हैं ज़्यादा लोग छोड़ने के लिए, वहाँ पे दिक्कत होती है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे एकत्रित होते हैं। इसके लिए भारतीय रेलवे ने अब इसे 10 रुपये से 50 रुपये बढ़ाकर करने की घोषणा की है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों कई जगहों पे ये 50 रुपये बढ़ाकर कर दिया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं महाराष्ट्र के पुणे जंक्शन पे प्लेटफॉर्म टिकट का दाम जो है वो 50 रुपये कर दिया गया है। यहाँ पे किसी यूजर ने 50 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट लिया है और यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि 5 रुपये का प्लेटफॉर्म टिकट अब 50 रुपये का हो गया है और कितना विकास चाहिए। तो दोस्तों ये मेरे हिसाब से रेलवे ने बहुत ही सही किया है, ताकि प्लेटफॉर्म टिकट के दाम बढ़ाया है, यानी प्लेटफॉर्म पे कम से कम लोग वहाँ पे इकट्ठा होंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों बढ़ते हैं अगला अपडेट की तरफ और ये हिंदुस्तान न्यूज़ के साइड पे अपडेट है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बदलेगा ट्रेन की बोगियों का डिज़ाइन और रंग, जानिए क्या हो रहा है चेंज या फिर बदलाव। दोस्तों इस न्यूज़ की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करने के बाद यहाँ पे इस पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गोरखपुर के रेलवे वर्कशॉप को पहले चरण में 156 बोगियों के रिफर्बिशमेंट का जिम्मा मिल गया है। इसके लिए 40 करोड़ का टेंडर भी जारी हो गया है। ये सभी बोगियाँ 4 महीने के अंदर बिल्कुल नई जैसी आ जाएंगे। इनमें जो टॉयलेट की फिटिंग होगी वो सुविधाजनक होगी, दरवाजे के पास काफ़ी जगह बढ़ जाएगी जिसे यात्री और बेसिन के पास आराम से अपना हाथ धुल सकेंगे। इस स्कीम के तहत बोगियों का कायाकल्प भी बदल दिया जाएगा, यानी उनके रंग वगैरह भी बदल दिए जाएंगे। जिनकी उम्र 12 साल हो चुकी है वो 6 बोगियाँ सितंबर के आखिरी सप्ताह में यानी आ जाएंगी। इसी महीने के आखिरी सप्ताह में ये सब बोगियाँ रेलवे ट्रैक पे दौड़ना स्टार्ट हो जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो न्यू मॉडिफिकेशन कोच होंगे इन जगह पे कोई भी स्क्रू हुक दिखेगा नहीं, सभी फिटिंग स्मार्ट फिटिंग होंगी। सीट के रंग से मैचिंग फ्लोरिंग और सेलिंग रहेंगी। सीट के अहम बदलाव किए जाएंगे, इनमें मोटा फॉर्म लगाया जाएगा ताकि फायर प्रूफ हो। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा कदम उठाया रेलवे ने, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। बढ़ते हैं दोस्तों लास्ट अपडेट पे और लास्ट अपडेट ये है, ये अपडेट है प्रभात खबर के साइड पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ट्रेन यात्री कम पैसे में भी एसी कोच में सफ़र का मजा लेंगे, भारतीय रेलवे के नए प्लान के बारे में जान लीजिए। अब दोस्तों इस न्यूज़ की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पर क्लिक करने के बाद इस पेज पर आप आ जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान के मुताबिक स्लीपर और अनारक्षित कोच में एसी कोच में बदलाव किए जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्लान के मुताबिक स्लीपर और अनारक्षित कोच को एसी कोच में बदलाव किया जाएगा, यानी जो स्लीपर कोच है उसे एसी कोच में बदलाव किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक अपग्रेड किए हुए स्लीपर कोच में इकोनॉमिक एसी 3 टीयर कहा जाएगा। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक रेलवे कोच में फैक्ट्री कपूरथला को स्लीपर कोच को एसी कोच में बदलने का काम सौंप दिया गया है। इनके लिए डिजाइन को अंतिम प्रारूप दिया जाएगा। यहाँ पे सूत्रों के मुताबिक सूत्रों से हवाले से बताया गया है कि इन इकोनॉमिक एसी 3 टीयर सीटों को बर्थ की जो संख्या है वो 72 की जगह 83 हो जाएगी। इन कोचों को एसी 3 टीयर ट्यूरिट क्लास भी कहा जाएगा। बात अगर
इनके किराए की हो तो रिपोर्ट के अनुसार इन ट्रेनों का किराया भी सस्ता होगा। सूत्रों के मुताबिक इन नए डिब्बों में इलेक्ट्रॉनिक यूनिट शिफ्ट किए जाएंगे और कंबल चादर जो है रखने की जगह होती है उसे भी हटा दिया जाएगा। तो दोस्तों कम पैसे में भी अब स्लीपर कोच में भी एसी लगा दी जाएगी, लेकिन जो स्लीपर कोच के फेयर हैं उसे कुछ न कुछ ज़रूर बढ़ाया जाएगा। आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। सो दोस्तों फाइनली आज की इस वीडियो में बस यही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।